आज के एपिसोड में हम जानेंगे अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले कृषि की बात होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश था। अंग्रेजों के आगमन के समय कृषि भूमि का स्वामी शासक हुआ करते थे, परंतु व्यवहारिक तौर पर भूमि पर काश्त करने वाले जब तक लगान देते रहते थे तब तक वे भूमि के मालिक बने रहते थे। कृषि भूमि को दो हिस्सों में बांटा गया था, खालसा भूमि जो बादशाह के नियंत्रण में थी, गैर खालसा भूमि जो जागीरदार के हाथों में थी। माल गुजारी निश्चित करने के लिए भूमि को चार हिस्सों में बांटा गया था। पोलज भूमि, वह भूमि जिसे हर वर्ष जोता जाता था। परती भूमि, वह भूमि जिन्हें कुछ समय के लिए बिना जोते छोड़ दिया जाता था। चाचर भूमि, तीन चार शल के लिए बिना जोते छोड़ दी जाती थी। बंजर भूमि जिसमें 5 साल से भी अधिक समय तक बिना जोते छोड़ दी जाती थी। ओलच और परती को भी 3 श्रेणी में बांटा गया, जिसमें अच्छी, मध्यम और खराब में बांटा गया था। खेती करने के लिए हल, खुरपी, पटेला, हंसिया तथा बैलों की जोड़ी का उपयोग होता था। अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर थी। उस समय की मुख्य फसलों में गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, कपास, मटर, तिलहन, गन्ना आदि थे। फलों में आम, अंगूर, अनार, केले, खरबूजा, अंजीर, जामुन आदि होते थे। उस समय की राजनीतिक अस्थिरता, मराठों द्वारा लूटपाट और केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी की वजह से किसानों की स्थिति खराब थी। किसानों द्वारा जो अनाज उगाया जाता था उसे बादशाहों, नवाबों, राजाओं तथा जागीरदारों के आदमियों द्वारा कर के रूप में लूट लिया जाता था। भू राजस्व और कर चुकाने के बाद किसानों के पास पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता था। भारत के गांवों, कस्बों तथा शहरों में काम करने वाले शिल्पी तथा उद्यमी अपने पुराने जातिगत एवं परंपरागत कार्य करते थे। इसमें सुनार, रेशम तैयार करने वाले, चित्रकार, दर्जी, मलमल और पगड़ी बनाने वाले थे। अंग्रेजों के आगमन के समय भारत का आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार उन्नति पर था। उत्तर भारत में व्यापार गुजरातियों एवं मारवाड़ियों द्वारा तथा दक्षिण में चेतियों द्वारा होता था। गांव में छोटा बाजार तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार शहर की मंडियों में होता था। कई निश्चित स्थानों पर मेले लगते थे जिसमें दूर दूर से व्यापारी आते थे। विदेशी मुसलमान व्यापारियों को खुरासानी कहा जाता था। वे मुल्तान, लाहौर और दिल्ली जैसे बड़े नगरों में व्यापार करते थे। व्यापारिक माल प्राय कच्ची तथा धूल भरी सड़कों से ले जाया जाता था। शासकों द्वारा मार्ग के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए जाते थे। रास्तों में कई जगह सराएं बनाई हुई थी। नदियों द्वारा भी माल का परिवहन होता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध तथा पंजाब में ज्यादातर नदी मार्ग से परिवहन किया जाता था। बंगाल से खाद्य वस्तुएं, चावल, चीनी तथा मक्खन का समुद्री व्यापार होता था। बंगाल से चीनी गुजरात को तथा गेहूं दक्षिण भारत को जाते थे। पटना को चावल और सिल्क के बदले गेहूं, चीनी तथा अफीम प्राप्त होती थी। आयात और निर्यात के लिए आगरा अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र था। आगरा देश तथा विदेशों में उत्तम प्रकार के नीले रंग के लिए बहुत प्रसिद्ध था। लाहौर अपनी दरियों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि मुल्तान चीनी, अफीम, सूती माल के लिए प्रसिद्ध था। गुजरात कपड़े की बुनाई का केंद्र था। यहाँ के कपड़े दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत के दूसरे भागों में भेजे जाते थे। केरल काली मिर्चों का निर्यात तथा अफीम का आयात करता था। पुलिकट का छपा हुआ कपड़ा बहुत बढ़िया होता था, जो गुजरात तथा मालाबार तट को भेजा जाता था। इस प्रकार भारत का आंतरिक व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। भारत का विदेशी व्यापार विश्व भर के देशों में होता था। लंका, बर्मा, चीन, जापान, नेपाल, फारस, मध्य एशिया, अरब, लाल सागर के बंदरगाहों तथा पूर्वी अफ्रीका से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। सूरत, भड़ौज, गोवा, कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम, सतगांव, सोनारगांव तथा चटगांव उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे। भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुएं कपास से निर्मित कपड़ा, तेल के बीज, ज्वार,
चीनी, चावल, नील, कपूर, लवंग, नारियल, कई जानवरों की खालें, विशेषकर गैंडे तथा चीते की खाल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च तथा लहसुन थी। भारत में मध्य एशिया और अफगानिस्तान से सूखे मेवे तथा ताजे फल अंबर, हींग, कुरकुरे, लाल पत्थर आदि का आयात होता था। नेपाल से पशु तथा सिंह, कस्तूरी सुहागा, चिरौता, रंग, इलायची मंगवाया जाता था। भूटान से कस्तूरी तथा तिब्बती गाय की पूंछ का आयात होता था। व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था। लगभग सभी देशों के व्यापारी भारत आते थे और कपड़े, मसाले, काली मिर्च, गेहूं, घी, जड़ी बूटियां और गोंद आदि के बदले में सोना तथा रेशम देते थे। अंग्रेजों के आगमन के समय कुटीर एवं लघु उद्योग उन्नत अवस्था में थे। देशों में दो तरह के उद्योग विकसित थे, ग्रामीण उद्योग तथा शहरी उद्योग। अंग्रेजों के आगमन के समय बादशाहों, अमीरों, राजाओं तथा जागीरदारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। घर घर में कुटीर उद्योग विकसित थे। विदेशी व्यापार उन्नत होने से शासकों को कर के रूप में अच्छी आय होती थी। कुटीर उद्योग इतना उन्नत था कि विदेशों में उनका तैयार माल निर्यात होता था। इतना होने पर भी देश में जनसाधारण की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। किसान हाड़ तोड़ परिश्रम करके खेती करते थे। छोटे कारीगर हाथ से सामग्री का उत्पादन करते थे। इस उत्पादन के लाभ का अधिक हिस्सा कर के रूप में शासक और मुनाफे के रूप में बड़े व्यापारी लूट लेते थे। भू राजस्व कर के साथ साथ चुंगी एवं स्थानीय करों की अधिकता थी। इस कारण बादशाह, सूबेदार, राजा एवं जागीरदारों के पास काफी धन एकत्र हो जाता था, किंतु जनसाधारण अभावों एवं कष्टों से बिलबिला रहा था। पूरा परिवार हर समय किसी न किसी काम में लगा रहता था, फिर भी दो समय की रोटी का प्रबंध करना कठिन था। आज के एपिसोड में इतना ही, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।